नमस्कार दोस्तों, आज आदरणीय श्रीमती अंबिका सोनी जी, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी एक अति दर्दनाक, हृदय विदारक और पीड़ादायक विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए। भारत माता की आत्मा छलनी है, पंजाब की धरती की आह कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनती है। 39 वो भारतीय, भारत के वो बेटे जो भारत की अर्थव्यवस्था में हिस्सा डालने और रोजी रोटी कमाने के लिए मोसूल गुजरात गए थे, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। परंतु जिस प्रकार से मोदी सरकार और देश की विदेश मंत्री ने आज पूरे राष्ट्र को गुमराह किया, जिस प्रकार से सुषमा जी के झूठ ने 39 परिवारों के दिल को दर्द से चीर कर रख दिया, यह अपने आप में एक शर्मनाक और दुखदायक घटना है। सत्ता का धर्म धोखा देना नहीं, दुख बांटना है। परंतु देश के दामन पर और परिवारजनों को झूठ और पीड़ितों के दिल में दर्द, ये सुषमा जी और मोदी सरकार की आज की सौगात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खास तौर से श्रीमती अंबिका सोनी जी, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, पंजाब और देश के इन नौजवानों की व्यथा को, उनके परिवारों के दुख को, उनके परिवारों के बिछोह को लगातार मार्मिक शब्दों में संसद के पटल और संसद के बाहर उजागर करते रहे हैं। परंतु हर बार देश और परिवार को गुमराह किया गया, हर बार परिवारों को केवल झूठे और कोरे आश्वासन मिले, बड़बोली बातें मिली, झूठा विश्वास दिया गया कि 39 हिंदुस्तानी जिंदा हैं। जब श्रीमती अंबिका सोनी जी और सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी ने संसद के पटल पर विदेश मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा, परिवारों को जिन्होंने अपने परिवारजनों से टेलीफोन पर वार्ता की थी, उन्हें कोट करके कहा कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, तो उल्टा कांग्रेस के सांसदों के विश्वास पर सवाल उठा दिया गया। यहां तक कहा कि आप इस लायक नहीं कि वो गोपनीय कागज देख सको, क्योंकि वो गोपनीय कागज सारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पास हैं। और आज झूठ की पोल खुल गई। आज जब सुषमा स्वराज जी कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगाती हैं, तो वो ये भूल जाती हैं कि चार उंगलियां मोदी जी और सुषमा स्वराज जी की तरफ इशारा करती। अगर कोई जुम्मेवार है हमारे 39 भारतीयों को सुरक्षित तौर से वापस भारत ना लाने का, तो मौजूदा मोदी सरकार और सुषमा स्वराज जी हैं। और इसके बाकायदा साक्ष्य, जो संसद के पटल पर वार्तालाप हुई, वो सब आज मौजूद हैं। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सुषमा स्वराज, अनुरोध करूंगा श्रीमती सुषमा स्वराज जी से कि वो देश को बहकाना और आंखों पर धूल झोंकना बंद करें। और अनुरोध करूंगा मैं सादर अंबिका सोनी जी से कि ये किस प्रकार से हर बार बातें उठाई और किस प्रकार से सरकार झूठ पर झूठ पर झूठ बोलती गई और उन परिवारों को धोखा देती गई, उसकी व्याख्या संसद के पटल पर हुई वार्तालाप और कागजों के साथ आप खुद करेंगी। आदरणीय अंबिका जी, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा,
कि हम सब बहुत दुख के साथ, और इसमें राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है, बहुत दुख के साथ ये बात आप सबके सामने इन सबूतों के साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच उन 39 लोगों के परिवार के साथ है जो पिछले 4 सालों से तकरीबन अपने लोगों की इंतज़ार में बैठे हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 3.5 साल पहले जब ये सब हादसे हो रहे थे, बहुत से हमारे भारतवासी वहाँ फंस गए थे, कुछ केरला की नर्सेज वगैरह को बाहर निकाला गया था, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से फोर्थ कमिंग नहीं थे हमारे 39 उन लोगों को के बारे में जिक्र करने के लिए जो पंजाब से संबंधित थे, शायद 2 हिमाचल से थे। रोज़ तस्वीरें आ रही थीं, सुषमा जी उनके परिवारों को पता नहीं क्या दिलासा दे रही थीं, रोज़ तस्वीरें निकलती थीं, गले सुषमा जी मिलती थीं, कहती थीं कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं आपके दर्द को जानती हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि मैं उनको वापस लाऊँगी। ये अखबारों में बराबर छपता था। तो हमारी पार्टी ने 2014 में अगस्त के महीने में एक कॉल अटेंशन दिया था, क्योंकि हमें कोई और तरीका मिल नहीं रहा था सरकार से इंफॉर्मेशन हासिल करने का। और उस कॉल अटेंशन में, जिसमें तकरीबन सब पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है इस वक्त जिसका भाई या बहुत करीबी रिश्तेदार इराक में उन 39 लोगों का हिस्सा है, काम कर रहा है। उसने मुझे बहुत सी बातें बताई कि कौन उनको बाहर ले गया, कैसे उनको 600 वीज़ा एकदम मिल गए जो दूसरों को नहीं मिलते, वो जानकार है उस कंपनी के साथ जिसके साथ ये 40 लोग काम करते थे, सब बातें बताई। तो उन्होंने हंसी मजाक में मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि देखिए, आप मंत्री रही हैं, आप जानती हैं तौर तरीकों को, इस तरह से नहीं, हम आपको बता नहीं सकते जैसे रणदीप जी ने कहा, क्योंकि ये गोपनीय हैं। मैंने हरसिमरत कौर के साथ शेयर किया है, मैंने बादल साहब जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनके साथ शेयर किया है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रही हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे फिर देखेंगे। और जिस व्यक्ति की मैंने बात की वो इराक से अभी वापस ही आया था, उन 3-4 बांग्लादेशी सज्जनों के साथ जो छोड़ दिए गए थे उनके साथ एक हिस्सा बनकर वापस आया था। मैंने सबके पासपोर्ट नंबर पंजाब में जाकर लिख कर इकट्ठे करके लिख कर दिए, मगर सुषमा जी ने बहुत, मैं सब ये जो रणजीत ने 23 जून को उन्होंने कहा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडियंस हु बीन अब्रॉड, वन हु आर सेफ एंड सुरक्षित, द अदर्स अबाउट होम हु आर अनहार्म्ड एंड बट आर इन कैप्टिविटी एंड दे रिमेन, एंड देर आर अदर्स अबाउट होम वी आर फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन, दे रिमेन बट दे रिमेन सेफ एंड वी आर वर्किंग टू कंटिन्यू टू असिस्ट देम टू गेट फ्री। This she said on the 23rd of June. Then on the 17th of July 2014, there was a press release, Press Information Bureau release, and they again said a group of 41 Indian nationals working in a construction company in Mosul were taken captive by an unidentified group. Then on the 25th of July 2014, in another Press Information Bureau release, they said that the External Affairs Minister, in response to the points raised on a calling attention motion, situation arising out of Indians stranded in Iraq and steps taken, had said that as far as 41 captives are concerned, the Foreign Minister is said, then I
could say that we do not have any direct contact with them, but I could say on the basis of some other forces that they are safe and they are alive and are also getting regular meals. यहाँ तक विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो खाना उनको मिल रहा है, वो कहने का मतलब तंदुरुस्त हैं, हेलन हाटी हैं, ठीक हैं, लेकिन हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट अभी उनसे स्थापित नहीं हुआ। अगस्त में 2014 में हम लोगों ने, मैंने एक कॉल अटेंशन रेज किया था पार्लियामेंट में, और मैंने उनसे ये कहा कि आपके जो बयान आ रहे हैं लगातार, उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा इन 41 लोगों के बारे में। तब उन्होंने कहा कि तो उसका मतलब मैं सच बोल रही हूँ कि मेरे बयान बिल्कुल सही है। मैं कहती आप मेरी बात को समझे नहीं है कि अगर समय बीतता जा रहा है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनकी सेफ्टी और रिलीज़ के बारे में आप हमें बताएंगी, मगर आपका बयान तो वही उसी तरह आ रहा है कि दे आर सेफ एंड दे आर अलाइव। सो ऑन दिस ओकेजन वी टोल्ड हर दैट वी आर स्टिल स्टक, आई टोल्ड हर दैट वी आर स्टिल स्टक ऑन द क्वेश्चन ऑफ 40 पीपल बिकॉज नोबडी नोज देयर वेयर अबाउट्स, नो वन हैज बीन एबल टू से अ सिंगल वर्ड, and the government is not communicating with any of us in the opposition. What is the, I asked the foreign minister that being a woman, being a mother, please realize in what a pitiable condition their wives and mothers and sisters and daughters and children of all these 39 Indians from Punjab are in. They don't have financial resources, no money has gone out to them, and they are living from day to day just hoping that their sons come back safe and sound. Of course, if I can read out as Randeep is saying, I will. I said that their families, their family members are going with photographs from pillar to post to all of us, all us political representatives, pleading for help. What help they want, they don't know. You have to give them the help. All they want is that their children should come back. I spoke personally, that's me, I spoke to a mother of one of the boys who was there from Chandigarh. She told me that the last contact she had with her son was on the 17th of July 2014. I have the name and passport numbers of all these people. Her son was very agitated while he was talking to his mother. He spoke that he does not have any papers or passport or identification of any kind with any of them. Then, in an agitated manner, he told his mother, "Probably I am talking to you for the last time." This is 17th of July 2014. And these people are passing there day after day, and it is going to be 2 months, almost on the 8th of August, and the Ministry of External Affairs, the central government of Mr. Narendra Modi, was unable to give these poor people anything except occasional photographs with the foreign minister. At the end of the call attention, where several members spoke, the minister replied, "आदमी तभी कैप्टिव होता है जब उसका संपर्क टूट जाए." हालांकि उन्होंने तीसरी कैटेगरी में जो लोगों को रखा था, उन्होंने स्वयं कई लोगों को कैप्टिव रखा था, तो हमारे पंजाब के इन लोगों को वो कैप्टिव नहीं समझती थी, तो उन्होंने कहा आदमी तब कैप्टिव होता है जब उसका संपर्क टूट जाए, लेकिन एक नहीं अनेकों स्रोतों ने हमसे हमें ये बताया है कि, और हमने पता करवाया है कि उन स्रोतों के हवाले से कि यहाँ हमारे पर हमारे 41 लोग सुरक्षित हैं और ज़िंदा हैं, और यहाँ पर सुषमा स्वराज कह रही हैं, और यहाँ पर
खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वे जीवित हैं और कुशल भी हैं। आप फिर उन्होंने आगे कहा कि आप जो कह रही हैं, क्योंकि मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आप मंत्री नहीं हैं, सही बात है, आप जो कह रही हैं मैंने हरसिमरत बादल जी से अपने, क्योंकि वो मेरे साथ मंत्री हैं और मेरे साथ शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ, इसलिए वे पेपर मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ तथा किसी और के साथ मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सदन में उनके पीछे पड़े कि आपके पास 8 स्रोतों से अगर जानकारी है, इस हद तक जानकारी है कि उनको अच्छा खाना पीना दिया जा रहा है, तो कुछ तो आप हमें बताएं ताकि हम आगे जाकर उनके परिवारों को कुछ तसल्ली दे सकें। लेकिन वो मेरे को और मेरे साथियों को, मेंबर पार्लियामेंट को कहने पर उतर आएं कि हमसे वो शेयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह 6 अगस्त को फिर एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेटमेंट आई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तरफ से, और उन्होंने कहा अनदर ग्रुप ऑफ अबाउट 41 इंडियंस अगेन, ये था 14 अगस्त में, वर्किंग विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन मोसूल वर टेकन कैप्टिव बाय एन अनआइडेंटिफाइड ग्रुप, द गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स एंड टेकिंग ऑल स्टेप्स टू सिक्योर देयर रिलीज। She went on, the statement goes on to quote Mrs. Sushma Swaraj, as far as the 41 are concerned, I would like to say here with responsibility that they are alive and safe, and we should not believe any rumors that they are not alive, and we should tell this to their families. This is again in 2014. Then Sri V.K. Singh had gone to Iraq. This is July 2015. And he came back to say that the safety and security of Indian nationals held captive by the ISIS in Mosul remain a matter of foremost concern. But the latest information they had from multiple third-party sources was that they are all safe and Surakshit. This is the reply she gave in, this is the reply which the Minister of State, V.K. Singh, gave in Lok Sabha on the 22nd of July 2015. Then on the 29th of July, when Bajwaji had come into the Rajya Sabha in 2016, he made a statement of which I will ask him to give an account of what. Oh, that I said then. ऑनरेबल अंबिका जी, रणदीप जी, बात थोड़ी सी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अफसोसनाक घटना है सारे हिंदुस्तान के लिए, और विशेष तौर क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी लोग पंजाब से थे। मेरा एक डायरेक्ट, मैंने ये बात अपनी उठाई 19th of July को, 2017 को, जीरो आर मैटर था, और मैंने कहा, यह सवाल था सीधा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास, तो मैंने कहा जी कि इतनी देर होगी, 24-25 दफ़ा ये गरीब लोग जिनके बच्चे वहाँ लेबर का काम करते हैं, वो 3-3, 4-4 रिश्तेदार लेते हैं, 25-30 दफ़ा आपके पास कभी आपके घर आते हैं, कभी किसी पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लाते हैं, और हर दफ़ा आपने यही बात कही कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं 5-6, और पुख्ता सबूत बताते हैं कि ये लोग आपके जिंदा हैं। तो मैंने कहा जी कि एक सबसे बड़ा पुख्ता सबूत तो एक हरजीत मसीह नाम का आदमी है, हु इज़ दी ओनली लाइव विटनेस, जो जिंदा है, मेरे हल्के से गुरदासपुर से है, वाई डोंट यू बिलीव इन दिस पर्सन। आई सेड, मैंने उनको सवाल किया कि मैडम अगर इस पर पहले आप बताएं कि इसने इस बात से क्या निकालना है, क्या उसने आपसे कोई डिमांड रखी है? अगर हरजीत मसीह ये बात कह रहा है कि मैं अकेला जिंदा रहा हूँ, हमें सभी को गोलियां मार दी गई, मेरे सामने वो लोग मार दिए गए, तो आप बताएं इनसे कुछ ना कुछ असलियत बताएं, या मैंने ये बात कही कि जो पुख्ता सबूत है आपके पास
किसी आदमी का नाम लीजिए, आपके पास कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हो इतने सालों में किसी की, कोई वीडियो कॉल हो, कोई ऑडियो कॉल हो, तो आपने पहले कह दिया कि ये मोसुल में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक ने ये बात कही कि मोसुल पर कब्ज़ा हो गया है इराकी फोर्सेस का और अमेरिकन फोर्सेस का, सही मायने में ये मेरा चार्ज है इस गवर्नमेंट पर कि उतनी देर उससे पहले ये गवर्नमेंट सोई हुई थी। ये वैसे ही दे वर नॉट टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, आइदर द इंडियन एम्बेसी ओवर देयर और समबडी हैड सेड दीज पीपल आर लाइव। तभी इन्होंने क्या किया कि जनरल साहब को, वीके सिंह जी को वहाँ भेज दिया। दे एग्जैक्टली न्यू कि अब क्योंकि कब्जा हो गया तो हमें इनका जवाब देना होगा, क्योंकि इन्होंने ये बात कही ये एक टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं वहाँ। तो जनरल साहब वहाँ जाते हैं, दो दिन में पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट के बाहर, सदन में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट की उसमें बेसिकली इन द बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ही गेव अ स्टेटमेंट कि अब नाउ दे हैव बीन शिफ्टेड टू अ स्मॉल टाउन विच इज 30 किलोमीटर्स अवे बाय द नेम ऑफ बुदुश, वहाँ एक पुरानी जेल है वहाँ शिफ्ट कर दी है जो हमें इंफॉर्मेशन है। एक इंडिया का चैनल, एक बेहतरीन चैनल है, उतने में क्या किया वो चैनल वहाँ पहुँच गया, चैनल ने स्टोरी ब्रेक कर दी, चैनल ने स्टोरी ब्रेक कर दी कि जिस जेल का आप जिक्र कर रहे हो वो तो 3 महीने से ISIS ने जेल तोड़ दी है, देर इज नथिंग ओवर देयर, यू आर स्पीकिंग अ कंप्लीट लाई। सो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई टोल्ड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कि यू हैव बीन मिसलीडिंग द पार्लियामेंट, यू हैव मिसलेड द नेशन। उसका जवाब उन्होंने फिर 27 को दिया, और 27 को जो जवाब दिया उसमें इन्होंने कहा कि हम ये कैसे एकदम कबूल कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। सो कहने का मेरा बेसिक मकसद है कि आज भी जो स्टेटमेंट दी उन्होंने, और उसमें मुझे अफसोस रणदीप जी इस बात का सबसे बड़ा, एक आपका इंडियन नेशनल है उसको तो आप उसकी बात तो कबूल नहीं रहे, वो एक इराक का रहने वाला, एक कैंटीन चलाने वाला आदमी है, उसके स्टेटमेंट पर अपना ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने कह दी कि इसका नाम, इसने पहले अपना नाम अली बदला, फिर ये बांग्लादेशियों के ग्रुप में जाकर इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। सो कहने का मतलब ये है, व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू से इज़ कि बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है ये डीलिंग इनकी जो गवर्नमेंट की थी, समहाउ इट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो यही बात हम आपके सामने आज बेसिकली लेकर आना चाहते हैं कि अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक पहले जो एम्बेसी ने इनको बात कही उसी बात पर नोइंग फुली वेल एग्जैक्टली मिड टर्म इनको इस बात का इल्म था कि आई हैव टेकन अ रॉन्ग स्टैंड, बट शी वाज नॉट विलिंग टू से दिस। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से फर्दर। मैं अंत में 27 जुलाई को जब प्रताप बाजवा जी ने फिर से ये मुद्दा बड़े जोरदार तरीके से उठाया तो मुझे भी फिर बोलने का जब मौका मिला तो मैंने ये स्पष्ट कहा उनको कि देखिए सुषमा जी, जो जिनके नाम हम इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बताते हैं उनको तो आप खारिज कर देती हैं कि वो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज नहीं हैं, आपके पास 8-9 बहुत ट्रस्टवर्दी सोर्सेज हैं तो आप हमें कुछ तो बताएं, नहीं तो मुझे पूरा इस बात का डर है कि कुछ समय बाद सुषमा जी, और ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है, आप आएंगी इस सदन में और अचानक कह देंगी वो सब बदकिस्मती से सब मारे गए, अब हमारे बीच में नहीं है, हमने बहुत कुछ किया लेकिन हम उनको बचा नहीं सके। ये मैंने जब प्रताप जी ने सारा रेस किया उसके अंत में जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये कहा कि आप यही करने वाली हैं, और शोर शराबे में वो चली गई। मुझे आज इस बात का बहुत, हम सबको इस बात का दुख है कि सुबह से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि हमने सदन को चलने नहीं दिया, हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर सदन को स्थगित करना चाहते हैं, जबकि ये सदन को न चलाने का कैप तो रूलिंग पार्टी पर पड़ता है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कहा कि आप इन दोनों मुद्दों को जो सदन को चलने से रोक रहे हैं, आप बैठिए हम इन पर चर्चा करते हैं और सदन चलाते हैं। बॉम्बे में ब्रिज टूटा था, बहुत बदकिस्मती से कितने लोगों की हत्या हुई थी, कहीं एक्सीडेंट बड़ा हो जाए बहुत से लोग मारे जाते हैं,
कुछ परंपरा ऐसी बन गई है पार्लियामेंट में कि जब भी इतने भारतवासियों की डेथ एक समय में हो और ट्रेजिक कंडीशंस में हो तो सदन दो मिनट के लिए खड़ा होकर अपना शोक जाहिर करता है। आज ये लोग इतनी जल्दी में थे, मैं आरोप लगाना चाहती हूँ, आज रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज इतने जल्दी में थे कि स्टेटमेंट पढ़ो, किसी को बोलने का कोई अवसर मत दो और दूसरे सदन में भाग जाओ, नहीं तो सदन को फिर से अजर्न किया जाएगा जैसे रोज करते ही आ रहे हैं। और हम लोगों ने दो मिनट का साइलेंस भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देती हूँ रणदीप सुरजेवाला जी को, जिन्होंने कुछ समय पहले जब प्रेस वार्ता में इन्होंने मांग की है कि हम के केंद्र सरकार इन परिवारों को, हर एक के परिवार को 1 करोड़ रुपया ज़रूर दे। ना पैसे से 4 साल का दुख ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो परिवार जो 4 साल से जिंदा ही नहीं थे, मुर्दों की तरह घूम रहे थे अपने बच्चों को ढूंढते हुए, उनको दोबारा से ज़िंदगी शुरू करने का मौका तो मिले। और मैं चाहती हूँ कि सुषमा स्वराज जाएं, हमें मालूम नहीं कि पंजाबी बोलेंगी नहीं बोलेंगी, उसका अनुवाद नहीं चाहिए हमें, पंजाबी हैं वो स्वयं, जाएं और वहाँ पब्लिकली माफ़ी मांगें और हरसिमरत को साथ में बिठाकर, बादल साहब को साथ में बिठाकर कि हमने आपको गलत फहमी में रखा, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास कोई तरीका नहीं था इन लोगों की जान सेफ्टी के बारे में जानकारी हासिल करने का, हमने आपको गलतफहमी में रखा, हमें इस गुनाह के लिए माफ़ करें। मैं चाहती हूं कि वो माफ़ी मांगे। धन्यवाद। ये सारे जो कागजात आदरणीय अंबिका सोनी जी ने पढ़े हैं हम आपकी ईमेल्स पर भेज रहे हैं। All you will have everything and you can please ask questions now. Can we, since he's already asking, you raise your hand, we'll have to take one by one. देखिए, मैं सदन राज्यसभा में लोकसभा के बारे में जानकारी पूरी नहीं है, पिछले कितने दिनों से नहीं चल रहा, तब तो हमें इराक में जो हमारे पंजाबियों की 41 लोगों की डेथ के बारे में पता नहीं था, वो तो कुछ और मुद्दे हैं। और खुलेआम लोग कह रहे हैं, अफवाह है कि ये तो सरकार के साथ नोरा कुश्ती चल रही है कि वो कोई कावेरी बोर्ड का मुद्दा उठा रहा है, कोई कडप्पा में स्टील प्लांट का मुद्दा उठा रहा है, कोई स्पेशल स्टेटस की बात उठा रहे हैं। तो जो सदन दो मिनट में, आफ्टर द मिनिस्टर्स हैव लेड द पेपर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इज अजर्न्ड फॉर द होल डे। तो आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने इसी के बारे में आश्वासन दिया और अपनी तरफ से इच्छा जाहिर की पूरे विपक्ष की तरफ से कि आप इन मुद्दों पर भी चर्चा कर लीजिए, अगर कोई तमिलनाडु का मुद्दा है या कर्नाटक का है या आंध्रा का है, हम सब लोग सदन में बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं और फिर सदन चले। आज तक सदन तो चला नहीं, तो हम तो अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, ये चाहते ही नहीं कि हम बैंकों की बात करें, ये चाहते ही नहीं कि वो 22,000 करोड़ रुपया जो लोग बैंकों से चुरा कर बाहर भाग गए हैं उसके बारे में इनकी जवाबदेही ठहराई जाए। तो मेरे से आप बुलवाइए मत, वो तो रोज़ प्रवक्ता बोलते ही हैं। तो ये आज हमें डर क्यों था? मैं प्रताप और मैं और हमसे हमारे साथ बहुत से और सांसद इसी मुद्दे पर आज शोर मचा सकते थे। जिस बेरहमी से हाउस को आज स्थगित किया गया बिना 2 मिनट के साइलेंस ऑब्जर्व करने के भी बगैर, मगर हम ये चाहते हैं कि हम कोई मुद्दा उठाएं जिससे हाउस अजर्न हो।
हम चाहते नहीं इनको ये मौका देना, लेकिन दिस इशू विच हैज बीन रेज टुडे नीड्स टू बी डिस्कस. वी कैन नॉट लीव द फैमिलीज ऑफ 39 पीपल. दीज फैमिलीज फॉर द लास्ट 4 ईयर्स हैव बीन लाइक डेड ghosts walking around looking for their family members. It is the duty of the central government, because she never shared the information with anybody. It is the, and gave assurances as foreign minister on the floor of the house that they are alive, they are having good meals, they have been taken to a town 30 kilometers from Mosul. They, when aapke patrakaron ki bhi kai teamein gayi thi wahan, unhone bhi kafi dhoondne ki koshish ki. तो अगर इन्होंने डीएनए कराया है 38 लोगों का मुकम्मल तौर पर, तो क्या संसद को बताया नहीं जा सकता था? क्या आप समझते हैं कि ये उचित है कि आज पंजाब के होशियारपुर गांव में एक लड़के के माँ बाप टेलीविज़न चलाएं और देखें कि अरे हमारा लड़का तो मर गया, पता नहीं कब मरा? क्या ये सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स आप कहेंगे? अब ये तो आप सरकार से ही पूछेंगे कि क्या कारण था. आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, मैं किसी को मृत कैसे घोषित करूं. मैं मानती हूं, तो कम से कम हमें थोड़ी सी कुछ जानकारी तो दें. हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें भी वापस स्टेटों में जाकर कुछ हमारी जवाबदेही है. जब मैंने हर एक 39 में से कम 35 के तो पासपोर्ट नंबर, कौन से गए, टिकट नंबर सब इकट्ठा कर कर इनको दिया, तो कुछ मुझे भी तो उनके परिवारों को वापस जाके कहना है. वो उन्होंने टाल दिया कि आपने गोपनीय शपथ नहीं ली, मैं आपको नहीं बता सकती. और रोज़ जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेटमेंट्स निकल रही हैं, वो तो यही कह रही हैं, बार बार कह रही हैं कि वो जिंदा हैं. आप मत कहिए कि भाई उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है. जब एक फॉरेन मिनिस्टर कह रही है, मैं सुषमा स्वराज कह रही हूँ आपको कि वो जिंदा है, मैं उनको लाऊंगी, ये भी उन्होंने कहा, तो फिर वो तो एक अश्योरेंस टू द हाउस हो जाती है. मैंने उनको तब भी कहा था, वो उन्होंने मिनट्स में नहीं दिया, तो मैंने प्रेस वार्ता में बोलना उचित नहीं समझा कि भाई आप तो अश्योरेंस दे रही हैं किसी की लाइफ और डेथ के बारे में, विच वन कैन नॉट गिव. एंड एनी थिंग विच अ मिनिस्टर कमिट्स on the floor of the house is taken to be an assurance. Can I just add one thing? If you read the same motion which madam is going to, we are releasing to you, uske end mein badi aashcharyachakit baat hai. Aadarniya videsh mantri keh rahi hain Ambika Soni ji ko, jo unse pehle se mantri reh chuke, कि आप क्योंकि मंत्री नहीं हैं, मैं इसलिए वो स्रोत तो आपके साथ साझा नहीं करूंगी. मैंने हरसिमरत कौर बादल जी के साथ किया है. और ये कहा, आपने कहा कि उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है. अगर आप उसकी आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये कहा आदरणीय अंबिका सोनी जी को कि वो सब सेकुशल हैं. मैं आई एम जस्ट रीडिंग टू यू ओनली दैट रेलिवेंट लाइन. व्हाट शी सेज इज अनपार्डनेबल. आप जो कह रही हैं, आई एम कोटिंग, आई कोट, आप जो कह रही हैं, चूंकि हरसिमरत कौर बादल जी ने मेरे साथ मिनिस्टर की शपथ ली है, कौमा गोपनीयता की शपथ ली है, कौमा इसलिए वे पेपर्स मैं उनके साथ शेयर कर सकती थी तथा किसी और के साथ मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकती थी. मैंने उनको वे पेपर्स भी दिखाए हैं जिनके आधार पर हम कह रहे हैं कि वे जीवित हैं और कुशल भी, कि वे जीवित हैं और कुशल भी. दिस इज व्हाट द मिनिस्टर सेज on the floor of the parliament to Shrimati Ambika Soni. And Ambika ji repeatedly tell what Ambika ji did not read for you on account of her own restraint that she has been known for all her life.
She said way back on 27th July 2017, she said, and I'm quoting Ambika Ji, and this is parliamentary record, Srimati Ambika Soni, interruptions, but she must continuously tell us, she's telling the foreign minister, also, what is her source for being so 100% sure that they are alive? Interruptions. And again, one day she would say that all this is not known and they are all dead. So what Ambika Ji said on 27th July has come true today. Mosmi Ji. देखिए अभी आज तो उन्होंने जिक्र सिर्फ हजरत मसीह का किया और उसको बिल्कुल खारिज कर दिया कि उसने अपना नाम अली कर लिया और वो यहाँ गया। जब मैंने 2014 में इसको उठाया था तब एक लड़का था परमिंदर सिंह, उसका भाई वहाँ काम करता था, ये अपने भाई को वहाँ मिलने गया था और उसने मुझे खुद बताया कि भाई मैं 3-4 और देश के लोग थे जिनको वो रिहा कर रहे थे, तो मैं उनके साथ मिल गया और वो 3 थे, मेरे को उन्होंने साथ में ले लिया, परमिंदर सिंह। तो मुझे सुषमा जी ने कहा तुम अपने स्रोत का नाम बताओ। मैं क्या बताना तो नहीं चाहिए, एक तरफी तरीका नहीं होना चाहिए, मगर मैं बताती हूँ ये नंबर है, आज तक मेरे सेल फोन पर उस लड़के का नंबर है। तब उसको भी खारिज करके जा रहे, वो तो मेरे ऑफिस के बाहर बैठा रहता है, उसकी बात पर मत जाओ। अब नाम मेरे, जो नाम मैंने अपना स्रोत बताया उसके नाम पर ना जाओ, जिन परिवारों से मैंने बात कर कर उनके पासपोर्ट नंबर लेकर टिकट नंबर लेकर वो पर्ची दी उसका, उसको नज़रअंदाज कर दिया। जो 2017 में प्रताप बाजवा ने हजरत मसीह का नाम दिया उसको नज़रअंदाज कर दिया। अपने स्रोत बताती नहीं, कुछ तो हमें भी पता चले। आप किस आधार पर देश की विदेश मंत्री होने के नाते आप ये कह रही हैं कि मैं आपको कह रही हूँ कि वो जिंदा हैं? मैं आपको कुछ और नहीं बता सकती, कागज़ नहीं दिखा सकती, मगर वो जिंदा हैं, ये तो 2017 में उन्होंने कहा है। आप कह रही हैं कि एक लंबा बाल मिला, हमने DNA कराए, तब भी कुछ नहीं बताया। तभी किसी जिन लोगों के DNA मिल गए, वो कह रही हैं 38 लोगों के मिल गए, उनसे भी कोई संपर्क नहीं हुआ। आप सिर्फ टेलीविजन के, हमें मालूम है कि आज उन्होंने इतनी जल्दी में ये सब क्यों किया, वो भी हमें मालूम है, मगर हाउस में इस पर हमें अपना शोक प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया जाए और हाउस को अजर्न कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल बेरहमी की बात है। मैं लोकसभा की तो नहीं कह सकती हूँ, मैं राज्यसभा की कह रही हूँ, अजर्न किया। हम तो सिर्फ खड़े होकर, मैं भी खड़ी थी, हम सब खड़े थे, प्रताप खड़े थे और भी बहुत से सांसद, फिर आज़ाद साहब ने इसको उठाने की बात की तो हमने देखा कि शायद अगर उनको कहा गया लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आप इसका जिक्र मत करना इस सब्जेक्ट का, इट्स ऑन द मिनट्स ऑफ द लोक राज्यसभा, डोंट मेंशन दिस सब्जेक्ट, इट्स ओवर। तो उन्होंने फिर जो ऑफर की कि अपोजिशन की तरफ से जो मुद्दों पर हमारे सांसद एजिटेटेड हैं और रोज़ स्थगित किया जा रहा है, हम उसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने ज्वाइन कर दिया। I think since this is a specific PC, we'll restrict ourselves to this, and it's a very serious subject.
आपने मांगी है ना। पंजाब सरकार ऑलरेडी ये निर्णय करके, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह जी केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके, उन्होंने ये कहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए, जैसा आदरणीय अंबिका सोनी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा है, और 20,000 रुपया प्रति माह की सहायता पंजाब सरकार उन सब परिवारों को दे रही है। बीस हजार रुपया प्रति माह की सहायता जब तक ये निर्णय जैसे नहीं हुआ था तब तक हम दे रहे हैं। एक बार एक मुश्त मुआवजे का निर्णय मोदी जी और विदेश मंत्री जी कर दें, और ये केवल मानवीय मुआवजा है, कभी हम उन परिवारजनों को वापस नहीं ला सकते। वो वेदना और पीड़ा जो सुषमा जी और मोदी जी ने उनको दी है वो कभी रुपया पैसे में आंकी नहीं जा सकती, पर उन गरीबों को जिनके सर से पिता का साया छीन लिया गया, जिनके बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी चली गई, जिस पत्नी का सुहाग चला गया, और 4 साल तक वो उस वेदना को लिए, जैसा आदरणीय अंबिका सोनी जी ने कहा कि वो दर दर की ठोकरें खाते रहे, तिल तिल मरते रहे, उनको कम से कम अपना जीवन शुरू करने के लिए मदद दी जाए। उन्होंने तो बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं की। अगर हमें मौका दिया होता, पहले तो हम लोग शोक प्रस्ताव रखते और उसके बाद कुछ सवालों के जवाब ज़रूरी हमें चाहिए थे, ताकि हम जब अपने अपने हलकों में वापस जाएंगे तो लोगों को कुछ तसल्ली देने की बात तो कह सकें। आज तो आपको जैसे मैंने कहा कि आधा वक्तव्य तो ये था कि किसी ने कहा कि पहाड़ी है, पहाड़ी में खोदो, और आधा वक्त उनके समय का सिर्फ जनरल वीके सिंह की तारीफ़ करते हुए और अपने राजदूतावास की तारीफ़ करते हुए और पता नहीं कितने लोगों की तारीफ़ करने में लगा दिए। उन्होंने, मुझे लगा कि उन्होंने आज कोशिश की टू स्पीक अबाउट द ट्रिवियालिटीज एंड साइड ट्रैक द इशू बाय चेंजिंग द फोकस फ्रॉम दोज हु हैव डाइड, फैमिलीज हु हैव सफर्ड, टू who all did good work according to the foreign minister. अब बात करने का मौका दे, ये सरकार राज्यसभा ही नहीं चला रहे, इनको डर है कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हम रख देंगे, तो इससे तो डर के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। There are, a government is responsible for maintenance not only of the governmental structure, but ultimately it is accountable to the people of the country. And humanity lies at its very edifice and core. We expect the Prime Minister, as also the External Affairs Minister, to not only apologize to each one of the families, but at least apologize for the misconception and lies, apologize for misleading the families for a period of 4 years, not permitting the families to have a closure vis-a-vis the death of their family members. The manner in which their deaths have been announced through television instead of reaching out to each family, the fact that government made false assurances repeatedly for 4 years, and at least now provide hand-holding to the families for starting their life afresh despite the immeasurable grief given to them by an incompetent government. Thank you.